हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिन्नी की रसोई में। आज मैं आपके साथ आटा से तैयार गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जिसे आप कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, जो एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होता है। इसका कलर, इसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होता है। आप देख सकते हैं कि ये अंदर से कितना ज़्यादा जूसी बनकर तैयार हुआ है। तो आज मैं आपको पूरी टिप्स और ट्रिक्स के साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ, तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाएं। तो चलिए इसकी तैयारी शुरू करते हैं। गुलाब जामुन के लिए सबसे पहले एक डो बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए लेते हैं 1 कप गेहूं का आटा। बिल्कुल बारीक आटा का यूज करेंगे। अगर आटा थोड़ा मोटा हो तो हम इसे छान कर यूज करेंगे। और लगभग ये 1 कप के बराबर है। मेजरमेंट के लिए आप कोई भी बर्तन सेट कर ले। ये 1 कप 250 ग्राम के लगभग होगा। तो आटा का गुलाब जामुन अगर हम सही माप के साथ बनाते हैं तो वो एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर ये 2 सेसे जो है वो मिल्क पाउडर का ली हूँ। लगभग ये 50 से 60 ग्राम के करीब है। तो इस आटे में अब हम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। तो 250 ग्राम आटा था, तो उसमें लगभग हम 50 से 60 ग्राम जो है मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। मिल्क पाउडर ऐड करने से टेस्ट जो है वो बिल्कुल मावा वाला आएगा। और अब इसमें ऐड करते हैं 1 टेबल स्पून के करीब घी। तो यहाँ पर हमें घी का ही यूज करना है, तेल का यूज नहीं करेंगे। और अब इसमें ऐड करते हैं 1/4 टेबल स्पून के करीब हम बेकिंग सोडा। तो ये मेजरमेंट वाला हमारे पास स्पून है, उससे मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो बिल्कुल आपको इसी तरीके से नाप कर ही डालना है। आप नॉर्मल जो चाय वाला चम्मच होता है उससे भी 1/4 टेबल स्पून इसमें जो है वो बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हैं। और अब चलिए सबको हम अच्छे से मिक्स करते हैं। तो हाथ से देखिए, इस तरीके से मसलते हुए आटा और मिल्क पाउडर को हमें अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेना है। तो ये मिक्स होने के बाद एक गुलाब जामुन का जो है वो प्रीमिक्स बनकर तैयार हो जाता है। इस तरीके से आटा को आप तैयार करके डिब्बा में भी बंद करके रख सकते हैं। और जब आपको गुलाब जामुन बनाना हो, आप डो बनाकर गुलाब जामुन बना लें। लेकिन अगर आप इसे फ्रेश बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो अब हम इसका डो तैयार करते हैं। तो इसके लिए हम रूम टेम्परेचर पर दूध लेंगे। बॉयल किया हुआ दूध है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना है हमें और ना ही ज़्यादा फ्रिज का दूध का यूज़ करना है। तो रूम टेम्परेचर पे ये दूध है, थोड़ा थोड़ा हम दूध डालकर इसका एक बनाएंगे। ना बहुत ज़्यादा हमें हार्ड बनाना है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाना है। तो दूध जो है वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालें, क्योंकि इसमें मिल्क पाउडर यूज़ किया गया है। अगर एक बार में दूध ज़्यादा अगर पड़ जाएगा तो फिर आटा जो है वो एकदम गीला हो जाएगा, जिससे गुलाब जामुन जो है वो चपटे बनकर तैयार होंगे। तो हमें सारा ध्यान जो है वो आटा लगाने में ही देना है। तो देखिए, थोड़ा पहले हम सख्त आटा लगा कर तैयार करते हैं और लगभग 10 से 15 मिनट तक मसलते हुए हमें इस आटे को सॉफ्ट बनाना है। आटा हमें सॉफ्ट ही लगाना है, लेकिन पहले थोड़ा हम इसे हार्ड लगाएंगे और मसलते हुए इसे हम सॉफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आटा गूंथ कर तैयार कर लिए हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा देते हैं। चारों तरफ आटे में हम इसको फैला देंगे। आटा जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर से सख्त ना हो इसके लिए। और इसे अब हम एक गीले कपड़े से ढककर जो है वो 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। आटा जो है वो अच्छे से सेट हो जाएगा। और अब चलिए हम चाशनी बनाकर तैयार करते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए जिस कप से मेजरमेंट किए थे आटे का, उसी से हमें नाप कर यहाँ पर चीनी लेना है। तो 1 कप गेहूं का आटा यूज किए थे, तो यहाँ पर हम 2 कप का चाशनी बनाएंगे। 2 कप चीनी यूज कर रहे हैं और इसमें लगभग 2.5 कप के करीब आप पानी डालें। तो मेजरमेंट चाशनी का बिल्कुल आप इस तरीके से लेंगे तो एकदम परफेक्ट जो है वो चाशनी भी हमारा बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पे देखिए, लगभग 2.5 कप के करीब मैं पानी यूज कर ली हूँ। गैस को ऑन कर लेते हैं। चीनी को अब हम घुलने देंगे। चीनी को मिक्स कर लेते हैं। चीनी अच्छे से घुल जाए, बीच बीच में आप इसे चलाते रहें, नहीं तो चीनी नीचे से चिपकना शुरू हो जाएगा। और फ्लेवर के लिए इसमें आप या तो केसर का यूज कर ले, या फिर यहाँ पर देखिए मैं इलायची डाल रही हूँ। और ये चाशनी जो है वो 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। और चाशनी की कंसिस्टेंसी हमें बिल्कुल तेल की तरह रखना है। जिस तरीके से तेल चिपचिपा होता है, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तार वाली चाशनी नहीं बनाना है हमें।
चाशनी पतला होगा तभी वो आटे के अंदर तक जाएगा। तो छूने से देखिए बिल्कुल ये चिकना चिकना लग रहा है। तो इस तरीके से चाशनी को चेक करके आप देख सकते हैं, अगर वो छूने में एकदम चिपचिपा लगता है तो चाशनी हमारा जो है वो बनकर तैयार है। तो गैस को बंद कर देते हैं और चाशनी को अब हम ढक देंगे। तो चलिए अब अपने डो को देख लेते हैं। तो यहाँ पर डो को फिर से हम 5 मिनट तक मसलेंगे और अब हम इसे बिल्कुल सॉफ्ट करेंगे। बिल्कुल आटे का डो जैसा लगता है, उससे हमें थोड़ा हार्ड डो रखना है यहाँ पर। और अब इसके छोटी छोटी जो है वो हम बॉल्स बना लेंगे। तो आप अपने पसंद के अनुसार यहाँ पर गुलाब जामुन जो है या तो राउंड शेप में बना ले या फिर ओवल शेप में। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से थोड़ा लंबा वाला जो गुलाब जामुन होता है वैसा मैं इसे बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमें आटे से ये जो बॉल्स बना है उससे गुलाब जामुन जो है बनाकर तैयार कर लेना। हथेली पर भी बिल्कुल आप लोई को रगड़े जिससे वो एकदम चिकना हो जाए। इसके ऊपर क्रैक्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये तेल में जाने के बाद फट जाएगा। तो एकदम स्मूथ चिकना हमें इस तरीके से सारे जो है वो गुलाब जामुन जो है वो तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए 1 कप गेहूं के आटे से 20 से 22 गुलाब जामुन जो है वो बनकर तैयार हो जाता है। तो अब इसे गीले कपड़े से ढक देते हैं, ऊपर का लेयर सूखे नहीं इस बात का ध्यान देंगे। और तेल को अब हम गरम कर लेते हैं। तो मीडियम गरम तेल होना चाहिए और लो फ्लेम करके हम गुलाब जामुन को जो है वो फ्राई करेंगे। तो ये छोटे छोटे टिप्स जो हैं अगर आप फॉलो करके इस तरीके से आटा से गुलाब जामुन बनाते हैं तो वो पहली बार में ही एकदम परफेक्ट जो है वो बनकर तैयार होंगे। तो ये देखिए थोड़ी देर में उलट पुलट कर हम इसे फ्राई कर लेते हैं। ध्यान देना है लो फ्लेम करके एकदम हल्के गरम तेल में हमें गुलाब जामुन को फ्राई करना है, तभी ये अंदर तक पकेगा। तो कलर इसका देखिए कितना बढ़िया जो है वो गोल्डन कलर आ गया है। तो अब हम इसे तेल से जो है वो बाहर निकाल लेते हैं। दिखने में ही ये कितना परफेक्ट दिख रहा है। तो ये हमारा पहला बैच जो है वो फ्राई हो गया है। तो चलिए अब हम इसे चाशनी में डालेंगे। तो इसके लिए चाशनी आप चेक कर लें। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल गर्म चाशनी में ही इस गुलाब जामुन को डालना है। अगर चाशनी थोड़ा ठंडा हो गया हो तो इसे आप फिर से गर्म कर लें। अच्छे से हम इसे चाशनी में डिप कर लेते हैं। तो ये पहला बैच हमारा चाशनी में चला गया है, अब हम इसे ढक देते हैं। तो जब तक ये चाशनी में हमारा एक बैच रहेगा हम अपना दूसरा बैच फ्राई कर लेंगे। तो आप इस तरीके से सभी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके बनाते हैं तो आटे का ये गुलाब जामुन पहली बार में ही एकदम जो है वो परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए दूसरा बैच भी फ्राई हो गया है। तो आप चाहे तो पहले वाले बैच को निकाल लें, मैं यहाँ पर जो है उसी बैच में डाल दे रही हूँ क्योंकि अभी भी चाशनी जो है वो गर्म है। बस ध्यान देना है कि हमें बिल्कुल गर्म चाशनी में ही इसको डालना है। तो अब हम इसे ढक देते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम इस गुलाब जामुन को चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए गुलाब जामुन जो है वो एकदम रस से भर गया है, फूलकर साइज में ये थोड़ा बड़ा हो गया है। तो परफेक्ट ये आटे का गुलाब जामुन हमारा देखिए बनकर तैयार है। तो उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल बिन्नी की रसोई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप इसका कलर देखिए, इसका टेक्सचर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना ज़्यादा जो है वो जूसी बना है। अंदर से भी ये एकदम परफेक्ट गुलाब जामुन की तरह दिख रहा है। तो एक बार आप इस गुलाब जामुन को ज़रूर बनाकर खाइए और उसके बाद कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।